you going, Armine? New Blakes. To watch? Movie of Allahyar. And we are running late. Come fast. We are running late. We are already late, in fact. Armine, we are already late. You know that? No, Mama. Yes, we are 5 minutes late. Let's see. Come on. Again. We are fighting with the time. Come on, again. Let's just go. I will let you know. We will start building. No. Good, and the funniest character is the owl. Allahyar ne kitni achhi acting ki na? Yes, when owl, that's why it's funny because he is so fat. Markhor kitna achha tha. Hum galat bol rahe the. Markhor bol rahe the. It's Markhor actually. Yeah, and that's why the owl was so funny because he said, "I'm a superhero," and wolves come, he was scared and gone away. Abdullah ko nahi achhi lagi. Abdullah, aap scared ho gaye the? Actually, he don't like fighting. Yeah, Abdullah doesn't like fighting. I'm gonna give a very short review about the movie Allahyar and the Legends of Markhor. Basically, the movie is about animal preservation and hunting. जो main character दिखाया है वो एक Allahyar, एक बच्चे का character दिखाया है. और उसे दिखाया है कि वो किस तरीके से एक मारखोर को रेस्क्यू करता है, उसको तहफ़ फराम करता है, उसको उसके घर तक रह के छोड़ के आता है. द मूवी इज़ फैंटास्टिक. इट्स अ वेरी वेल रिटन मूवी. द कॉन्टेंट वॉज क्रिस्प. एनिमेशंस वर आउट क्लास. जो कैरेक्टर दिखाया है इस बच्चे का Allahyar, वो काफ़ी क्लोज टू रियलिटी काइंड ऑफ कैरेक्टर दिखाया है. मतलब उसको कोई सुपर हीरो नहीं दिखा दिया है, बहुत ब्रेव नहीं दिखाया है, ना कि उसको बड़ा कोई डरपोक दिखाया है. काफ़ी हद तक बच्चों से रिलेट कर पा रहे थे. उसके अंदर एक मोटिवेशन दिखाई है, उसको काफ़ी एक जज्बाती किस्म का बच्चा दिखाया है. सो फैंटास्टिक. द कैरेक्टर वाज वेरी वेल पोर्ट्रेट. एनिमेशंस वर आउट क्लास. मतलब मैं हैरान थी कि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम इतना फजूल का पैसा फेंकते हैं मसाला मूवीज़ बनाने में और उनको चलाने में, जबकि इस कैटेगरी के अंदर हम कितना कुछ कर सकते हैं if we start investing on this category, on kids category, on and start making animated movies, we could do so good. I mean, हम इतना कुछ कर सकते हैं. box office returns हमारे पता नहीं क्या होंगे अगर हम animated movies बनाना शुरू हों. I don't understand कि हम अपनी जो हमारी strength है उस पर हम काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि वही मसाला movies और item movies और पता नहीं उनको बेहतर बनाने की कोशिशों में लगे हैं, जबकि family ये prefer नहीं करती. family जो फैमिलीज़ हैं वो इस किस्म की मूवीज़ प्रेफर करती हैं जो कि अपने बच्चों के साथ देख सकें. या आई डोंट अंडरस्टैंड कि ठीक है, आप पूरी इंडस्ट्री के अंदर आप ये नहीं कि सिर्फ एनिमेटेड मूवीज़ बनाना ही शुरू करते हैं, आप एक बैलेंस रखें. लेकिन आपकी अगर ये स्ट्रेंथ है, देन आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस पर इन्वेस्टमेंट करना क्यों, इतनी कम मूवीज़ क्यों हमें नज़र आ रही हैं अगर तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, जो कि मुझे लगी. बिकॉज द एनिमेशंस वर यू नो, ऐसा लग रहा था आप कोई डिज्नी मूवी बैठ के देख रहे हैं. सो या दैट्स इट. हाँ, थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस मुझे हैं थोड़ी तरह लैंग्वेज और वॉयलेंस को लेके, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि जब आपके यहाँ पे टारगेट ऑडियंस सिर्फ बच्चे नहीं थे, क्योंकि जब आप मूवी बना रहे होते हैं तो जाहिर है आप कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी टारगेट कर रहे होते हैं, और हर किसी को केटर करना इतना आसान नहीं होता है. सो या दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड इग्नोरेबल एट द सेम टाइम. सो या आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू गो एंड वॉच द मूवी विद योर किड्स.
appreciate the efforts. That's it. Thank you.